हाय गाइस, एक बात बताना चाहती हूँ मैं आप सबको। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं आप सब मुझे और एप्पल को, और मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि या जैसे ऐसा लगता है कि आप सबने मुझे ऐसे ऐसे करके अपना लिया है, यू नो, बिकॉज आप सब मेरी कहानी जानते हैं। बहुत स्ट्रगल किया है मैंने मुंबई में 10 साल। एप्पल भूखी भी सोई है और एप्पल की कई बार स्कूल की फीस नहीं दी है। एप्पल की फीस नहीं देने की वजह से कई बार स्कूल वालों ने उसका रिजल्ट नहीं दिया है। ये सब 9 साल मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है ये, और ये सारे गलत एक्सपीरियंस थे मेरी गलत थॉट की वजह से। मेरे पास मनी के लिए अच्छी फ्रिक्वेंसी नहीं थी कि पैसा आसानी से आता है, ये मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगता था कि पैसा बड़ा मुश्किल है कमाना, और जब तक मुझे लगता रहा पैसा मुश्किल है कमाना, तब तक मुश्किलें आती रहीं पैसे से रिलेटेड। और आज मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं और एप्पल वही माँ बेटी हैं जो कभी मैं एप्पल को कहती थी बेटा खाना भी नहीं है किचन में, मतलब ग्रॉसरी भी नहीं है, और पैसा भी नहीं कि बाहर से मंगा दूं, और एप्पल बोलती थी भूख नहीं है। ये मैं और एप्पल वही माँ बेटी हैं, और आज आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एप्पल का बर्थडे आ रहा है 8 को, और 4 तारीख को हम दुबई जा रहे हैं। और सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि एप्पल का केक दुबई में काटना है, बुर्ज खलीफा में काटना है, और वहां दुबई में जाके लिमोजिन हायर करेंगे, वहां पे केक काटना है। और ये मैं वही माँ बेटी हूँ, देखिए, है ना। तो जब तक मैंने मजबूरियों की बात की, जब तक मैंने स्ट्रगल देखा कि पैसा कमाने में स्ट्रगल है, जब तक मुझे लगा पैसा आसानी से नहीं आता, पैसा अमीरों की चीज होती है ना, पैसा अमीरों के पास ही होता है, पैसे वाले के पास ही पैसा था, जब तक मेरी ये सारी फ्रिक्वेंसी थी, जब तक मेरी ये थॉट प्रोसेस थी, मेरे पास यकीन मानिए कभी पैसा नहीं आया। 9 साल स्ट्रगल किया है मैंने मुंबई में पैसे के लिए, लग्जरीज के लिए, कंफर्ट्स के लिए। मतलब ये नहीं कि 9 साल कंटिन्यू स्ट्रगल किए क्योंकि जॉब थी मेरे पास, लेकिन काफी स्ट्रगल किया जिस हद तक कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरीज, कंफर्ट्स जो मेरी अभी जिंदगी में है, और वो भी फ्रीडम और इतना लव, इतना रिस्पेक्ट, ये सब तब आया गाइस जब मैंने स्ट्रगल की बातें करना बंद की, और जब मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी हाई की, मैंने अपनी एनर्जी हाई की, सब कुछ आने लगता है। इस यूनिवर्स में सब कुछ है और सबके लिए है। आप अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा के तो देखिए, और आप सब जानते हैं मेरे वेबिनार में आके फ्रिक्वेंसी ही बढ़ती है। और या बिकॉज ये एनर्जी की दुनिया है, फ्रिक्वेंसी की दुनिया है। मैं जब एनर्जी से भरी हुई हूँ और जब आप मेरे वेबिनार में आके बैठते हैं तो एनर्जी पास ऑन होती है। हम सब एक दूसरे को एनर्जी पास ऑन करते हैं, और तभी लोग कहते हैं मैम आपके वेबिनार की बात ही अलग है, मैम आपके वेबिनार में कुछ अलग ही होता है। या अलग कुछ नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी पास ऑन होती है। मेरी बहुत हाई एनर्जी, हाई फ्रिक्वेंसी होती है, वही मैं आपको दे देती हूँ, और सक्सेस स्टोरीज आने लगती है सबकी। मैम आपका वेबिनार अटेंड किया था उसके बाद ऐसा हो गया, ये किया था उसके बाद, आप खुद देखते हैं। अभी तो मुझे सक्सेस स्टोरी डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे सामने आके बैठ गए तो वो तो होना ही है। तो आजकल तो ये होता है कि कई लोग मुझे बोलते हैं मैम जब से करोड़ों की बातें वेबिनार अटेंड किया ऐसा हुआ, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलती हूँ और करो करोड़ों की बातें ज्वाइन, ये तो होना ही था। सो गाइस, आप ही के लेके आ रही हूँ करोड़ों की बातें और शब्दों की बातें। और अगर मैं और एप्पल गलत जब फ्रिक्वेंसी में थे तब हमारे पास पैसा नहीं था, हमने फ्रिक्वेंसी ठीक करी, हमने पैसे को लेके केमिस्ट्री ठीक करी, तो आज हमारे पास पैसा है। जब एप्पल छोटी थी, मतलब 7 साल से लेके आई थिंक 13-14 की हो गई थी, पूरे 6-7 साल बच्चे समर वेकेशन में छुट्टियों में जाते थे, मैं एप्पल को कहीं नहीं लेके जा पाती थी क्योंकि हम सर्वाइवल स्टेज में जी रहे थे। यू नो, रेंट दे दें, स्कूल की फीस दे दें, घर का खाना पीना हो जाए, टेलीफोन का बिल हो जाए, बस उतना ही था। तो समर वेकेशन में उसको कैसे लेके जाती, और मैं कभी भी नहीं। आप सोचिए, पिछले 3 सालों में ये मेरी तीसरी इंटरनेशनल ट्रिप है जिसके लिए टिकट्स बुक हो चुके हैं दुबई के। मैं बैंकॉक जा चुकी हूँ मेरे बर्थडे पे, हम एप्पल के 16th बर्थडे पे हम यूएस जाके हॉलीवुड की चोटी पे वो अपना बर्थडे मना के आई है, एंड दिस इज अ 17th बर्थडे जहाँ पे वो दुबई जा रही है। इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ऐसे ही नहीं आया है पैसा मेरे पास, फ्रिक्वेंसी हाई की है तब आया है। फ्रिक्वेंसी चेंज कर ली, केमिस्ट्री चेंज कर दी, समझ लिया कि पैसा आना बहुत आसान है, तो पैसा आने लगा। सी गाइस, पैसा बहुत आसान है, एनर्जी है, उस एनर्जी को जितना आप अट्रैक्ट करेंगे उतना पैसा आपके पास आएगा। और बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं रोज थैंक यू बोलती हूँ यूनिवर्स को। यूनिवर्स, हम यहाँ तक आ गए, कल भी अभी तक हमारी पैकिंग नहीं हुई है दुबई को लेके, तो मैंने एप्पल को बोला एप्पल हमने पैकिंग भी नहीं करी है क्योंकि अब हमें बहुत आसान सा लग रहा है। हाँ, दुबई
तो जा रहे हैं, साल भर में इतना ट्रैवल कर लिया ना, ऐसा लगता है ओके लगा लेंगे सूटकेस, यू नो दुबई तो जा रहे हैं। सो दुबई इज जस्ट, और किसी का मैंने सुना था कि कई किसी ने कहा था ये बात कि जिस दिन दुबई सस्ता लगने की, हाँ दुबई तो कभी भी जा सकते हैं, उस दिन आप समझना आप अमीर हो गए। तो गाइज मैं अमीर हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ आप सब अमीर हो जाए, सिर्फ वो फ्रिक्वेंसी ले जाए, एनर्जी ले जाए मुझसे। और कैसे मैंने वो फ्रिक्वेंसी हाई की है, कैसे मैंने अपना एनर्जी बढ़ाया है पैसे को लेके, केमिस्ट्री अच्छी की है, बस ये जानने के लिए कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। और वो जब आप वेबिनार में आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारी डे टू डे रूटीन में हम गलतियां करते हैं पैसे को लेके, वो गलतियां जिस दिन बंद हो जाएगी रिजल्ट्स अपने आप दिखने लगेंगे। हमें पता ही नहीं होता हम क्या गलती कर रहे हैं। आप जब वेबिनार में आते हैं, जब आप अपने बारे में बताते हैं और मैं आपकी गलतियां पकड़ लेती हूँ, आपको समझ में आ जाता है गलती कहाँ हो रही है, बिकॉज गलती तो मैंने भी की थी और मैंने की थी तो रिजल्ट्स कभी नहीं आया। जिस दिन मैंने गलतियां सुधार ली उस दिन पैसा आने लगा और अच्छे से आने लगा और बहुत सारे सोर्सेस से आने लगा। सो एक और चीज याद रखिए, सोर्सेस मत ढूंढिए पैसा कमाने के लिए, सोर्स एनर्जी से कनेक्ट होइए और ये सोर्स एनर्जी आपको रिसोर्सेस लाके दे देगा पैसे के लिए। सो आपका काम सिर्फ एक ही है, यू हैव टू कनेक्ट विथ योर सोर्स एनर्जी, सोर्स एनर्जी सारे काम करेगा। इसीलिए मैं पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचती, मैं बोलती हूँ भाई मुझे ये करना है, एप्पल मुझे बहुत सिखाती है। सो आज का ये है कि कल एप्पल भी आ रही है वेबिनार में, वो भी आपसे बात करेगी पैसे से रिलेटेड, क्योंकि आजकल वो मुझे बहुत सिखाती है और हम दोनों की अपनी अपनी जर्नी है, मेरी और एप्पल की। सो एप्पल की जर्नी मेरे से ज्यादा बेटर है क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेस ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने कभी अमेरिका जाने के बारे में नहीं सोचा था, एप्पल ने सोचा था, हम अमेरिका होके आ गए। मैंने कभी बड़े बड़े स्कूल में एप्पल को एडमिशन करने का नहीं सोचा था, बट एप्पल ने मुझे कहा था जब वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में उसका एडमिशन कराना था, मॉम विटी ही चाहिए, मुझे विटी ही जाना है, और वो विटी इंटरनेशनल में ही गई और जिसका रिजल्ट उसकी पर्सनैलिटी में दिखता है। महंगे स्कूल में बच्चे को डालने के क्या फायदे हैं, अच्छी जगह पे सो खर्चा करने के क्या फायदे हैं, ये आपको हमेशा समझ में आएगा। और खर्चा करने के लिए पैसा बहुत होना चाहिए, और पैसा कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी हाई करके आइएगा तो पैसा आ जाएगा। सो ये सब चीजें जान लीजिए, करोड़ों की बातों में आके फ्रीक्वेंसी हाई करनी है, कैसे करनी है और उनको सही शब्दों में डायरी में कैसे लिखना है। सो ये कॉम्बो पैक आप ही के लिए रेडी हो रहा है, और बहाने नहीं चलेंगे, एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा, ब्लेम्स नहीं चलेंगे। एक्सक्यूजेस और ब्लेम्स के साथ हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, मैं भी आगे नहीं बढ़ पाई जब तक मैंने एक्सक्यूजेस दी और ब्लेम्स किया दुनिया को, अपनी सिचुएशंस को, अपने सर्कमस्टांसेस को। जिस दिन मैंने अबंडेंस और रिसीविंग मोड में आ गई, उस दिन यूनिवर्स के पास तो बहुत ऑलरेडी था, मैं ही रिसीविंग मोड में नहीं थी। सो रिसीविंग मोड में आ जाइए पैसे के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छी फ्रिक्वेंसी के लिए। और कल का कॉम्बो पैक है, 3 बजे शुरू होगा, आप कब तक चलेगा मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो पूरा सिखा के जाऊंगी। सो पावर ऑफ नाउ ये बोलता है कि जहां पे हो वहीं पे रहो, तो कल जब आप आएंगे बाकी ये सारी चीजें पीछे छोड़ के आइएगा, स्विच ऑफ करके आइएगा फोन, जिससे आप पावर ऑफ नाउ में रहें, पूरी तरह से उस वेबिनार को एंजॉय करें कि हाँ मैं यहाँ सीखने आई हूँ और मैं सीख के जाऊंगी, है ना। सो आगे पीछे की चीजें भूल जाइए कि अरे मैम लेट हो रहा है और कितनी देर तक चलेगा। और वेबिनार जब मैं ले रही होती हूँ ना, तो वो जो चैट बॉक्स चल रहा होता है ना, चैट बॉक्स में आप बहुत कुछ टाइप करते हैं, मैं कभी नहीं पढ़ती हूँ, फिर बता रही हूँ, चैट बॉक्स में कभी नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मैं जब बोल रही होती हूँ मैं फ्लो में बोल रही होती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ चैट बॉक्स में मैसेज पढ़ के मेरा फ्लो टूट जाए। मैं चैट बॉक्स में मैसेजेस नहीं पढ़ती हूँ। आप कई लोग बोलते हैं मैम कितने बजे तक चलेगा वेबिनार, मुझे नहीं पता कितने बजे तक चलेगा, 3 बजे आप आ जाइए, 3 से जब तक सारे लोग नहीं आ जाते मैं वेट करती हूँ और हमेशा वेट करती हूँ। इसीलिए वेट करती हूँ कि कई लोग पैसे का इंतजाम करके आते हैं वेबिनार्स में, अगर किसी वजह से वो लॉग इन नहीं कर पा रहे, 10 मिनट लेट हो रहे हैं, हमारा ये ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओके वी कैन वेट फॉर 10 मिनट्स ना, हमको नहीं पता किसके घर में कौन सी सिचुएशन है इंटरनेट को लेके, राइट। सो 7 बजे लॉग इन हो जाता है, लेकिन कई लोग फिर मैसेज करने का कब होगा चालू, कब होगा ये, कब होगा का पैनिक क्यों इतना इम्पेशेंट तो हम सारी जिंदगी से होते ही आ रहे, क्या मिल गया इम्पेशेंट होके। सो धैर्य रखिए, आ जाइए, लॉग इन कर लीजिएगा सही टाइम पे, सबको आ जाने दीजिए जिससे सब लोग वो चीजें लें, क्योंकि ये मेरा सोचना है कि अरे पता नहीं कब कौन कैसे पैसे का इंतजाम करके आता है और किसी वजह से लॉग इन नहीं कर पा रहा है, वी शुड वेट। तो मैं इंतजार करती हूँ सबके आने का, और कॉम्बो पैक है तो या ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आएंगे, सो हम सब धैर्य रखेंगे, लेकिन जितने लोग आएंगे आप
सबको पता है को क्रिएशन होगी, उतनी ही पावर होगी, उतनी ही फ्रिक्वेंसी होगी सबकी, और यही फ्रिक्वेंसी हम एक दूसरे के साथ पास ऑन करेंगे तो हम खुद हाई एनर्जी होके हम खुद रिसीविंग मोड में अपने आप आ जाएंगे, बिकॉज हम लोग फ्रिक्वेंसी और एनर्जी हैं। एनर्जी हाई हो गई, फ्रिक्वेंसी हाई हो गई, रिसीविंग मोड अपने आप स्टार्ट हो जाता है, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सो गाइज, अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो ध्यान रखिए 5 जर्नल्स लेके आना है, पूरा टाइम लेके आना है, 100% आपको वेबिनार में देना है, ना पीछे की चिंता ना आगे की चिंता, जहां पे बैठे हैं वहीं होना चाहिए आप, दैट इज पावर ऑफ नाउ। और बस रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अभी भी करा लीजिए सोनाली से बोल के, बिकॉज ये मैं अभी करोड़ों की बातें और शब्दों की बातें दोबारा नहीं लूंगी अगले 2 महीने तक, उसके बाद फिर वापस से यही पैटर्न शुरू हो जाएगा जैसा मेरा होता है, करोड़ों की बातें, शब्दों की बातें, रिश्तों की बातें। और कई लोग अभी कॉम्बो पैक के लिए बोल रहे हैं, तो हो सकता है अगला कॉम्बो पैक मैं रिश्ते की बातें और शादी की बातें करूंगी। सो नेक्स्ट कॉम्बो विल बी रिश्ते की और शादी की अगली बार, वो कब होगा मुझे नहीं पता, अभी तो मैं दुबई जाने के मूड में हूँ, एप्पल के बर्थडे मनाने की फ्रिक्वेंसी में हूँ, और बस आ जाइए, और आप ही के लिए है 27 को, इसीलिए रखा है, कई लोगों ने कहा था मैम संडे को रखिए, सो मैंने संडे को रखा है, और जिससे मार्च 1 जब लगेगा तो आप नया महीना जो आपका मंथ होगा वो आप अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ कर सके शब्दों की बातों में आके। और कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जो वेबिनार पहले ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी कई बार खराब हो जाती है क्योंकि वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, आउट ऑफ अलाइनमेंट होते हैं, उनसे भी कहूंगी कि अगर आ सकते हो तो बिल्कुल आ जाइए वेबिनार में, फ्रिक्वेंसी हाई करना बहुत जरूरी है। और आप सबको पता है मेरी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी, जब आते हैं तो आप लेके ही जाते हैं मेरी एनर्जी और सक्सेस स्टोरी फिर प्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ में। सो यस, मैं कल आपसे मिलती हूँ 3 बजे करोड़ों की बातें सही शब्दों के साथ वेबिनार में। सो थैंक यू सो मच।